बच्चों, मैं आप लोगों से जब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है, एडमिशन का टीएस ग्रेवाल बुक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए बी सी जिनका पुराना रेशियो हाफ, वन थर्ड और वन सिक्स है, जिसको हम 3:1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डी आया 1/6 शेयर के लिए और सी अपना शेयर जो है वो रिटेन करेगा। आपसे एक आ गया नया रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर जो है 10 का फोर्थ पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, अगर सी अपना शेयर रिटेन ना करे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 जैसा है। 1 में से डी का शेयर हटाइए, जो बचेगा उसको एबीसी के पुराने रेशियो में बांट देते और फिर सबका नया शेयर कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लेते। मगर क्योंकि सी अपना शेयर रिटेन कर रहा है तो इस बात ने इस क्वेश्चन को डिफरेंट बना दिया है। अब डिफरेंट कैसे है आइए देखते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा एबीसी का ओल्ड रेशियो 3:1 है, सी अपना शेयर रिटेन कर रहा है, डी का शेयर 1/6 है, तो टोटल शेयर मानिए 1। रिमेनिंग शेयर निकालते समय 1 में से डी का शेयर भी माइनस करिए और सी का शेयर भी माइनस करिए, जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है उसका शेयर भी माइनस करिए, बचेगा 4/6। अब ये 4/6 केवल ए और बी को बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। इसको ए और बी के आपस के रेशियो में बांट दो जो कि 3:2 है, तो ए का नया शेयर होगा बच्चों 3/5 ऑफ 4/6 यानी कि 12/30। बी का नया शेयर होगा बच्चों 2/5 ऑफ 4/6 यानी कि 8/30। सी का नया शेयर होगा बच्चों वही जो पहले था, बस डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, 5/30। डी का नया शेयर वही है जिसके लिए वो आया, दैट इज 1/6, बस डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, 5/30। नया रेशियो आ गया 12:8:5:5। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, आइए बात करें 10 के फिफ्थ पार्ट की, जो काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट जैसा ही है। ए और बी इक्वल पार्टनर है, सी और डी दो नए पार्टनर हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सी जो है वो पुराना पार्टनर था मगर अपना शेयर रिटेन कर रहा था, तो रिटेन करने वाला शेयर एक तरह से नए पार्टनर की तरह ही हो जाता है। टोटल शेयर में से उसका शेयर भी माइनस करा था हमने रिमेनिंग शेयर निकालते समय, और यहां तो सी ऑथराइज्ड न्यू पार्टनर है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि वो न्यू पार्टनर है, तो यहां भी जब हम टोटल शेयर में 1 मानेंगे और रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 में से सी और डी दोनों का शेयर माइनस कर देंगे, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। टोटल शेयर मानिए 1, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर और डी का शेयर दोनों का शेयर माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 19/30। तो ए का नया शेयर क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ 19/30, क्योंकि जो बचा वो ए और बी में बटेगा, 19/60 ए का नया शेयर आ गया। बी का नया शेयर भी क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ 19/30, दैट इज 19/60। सी न्यू शेयर क्या होगा बच्चों, 1/5 जिसे लिख सकते हैं 12/60। डी न्यू शेयर क्या होगा बच्चों, 1/6 या फिर 10/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 19:19:12:10। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ जैसा ही है, बस वहां सी पुराना पार्टनर था और अपना शेयर रिटेन कर रहा था तो रिमेनिंग शेयर निकालते थे, वहां भी सी का शेयर माइनस किया, यहां भी रिमेनिंग शेयर निकालते समय सी का शेयर माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां तो सी नया पार्टनर ही है अलॉन्ग विद डी हु इज ऑल्सो अ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 10 के 6 को आप अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी पार्टनर है, आपस का रेशियो 5:3 है, सी आया 3:10 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच, अब तक का ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन, इज गिफ्टेड बाय ए और बैलेंस ऑफ हिज शेयर इज एक्वायर्ड
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ए और बी पुराने पार्टनर हैं, रेशियो 5:3 है, सी आया 3:10 शेयर के लिए, मगर सी ने यहां पर ये तो कहा कि मैं अपना शेयर ए और बी से इक्वली एक्वायर करूंगा, मगर उससे पहले मेरे शेयर का आधा ए से गिफ्ट कराइए मेरे को, मैं अपना बचा हुआ शेयर ही ए और बी से इक्वली एक्वायर करूंगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, वहां भी वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा था, मगर वहां गिफ्ट वाली बात नहीं थी बच्चों, यहां पर गिफ्ट वाली बात अलग से और आ गई। तो देखिए बच्चों, ए का गिफ्ट टू सी कितना होगा, सी के शेयर का हाफ। अब सी का शेयर बचा कितना, सी का शेयर था 3/10, 3/20 गिफ्ट के तौर पे मिल गया उसको, तो अब बचा केवल 3/20 जो वो इक्वली लेगा ए और बी से, तो ए को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, 3/20 का हाफ उसे और देना पड़ेगा यानी 3/40। बी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 3/20 का हाफ। बी को कम से कम ये आसानी हो गई कि उसे सी के टोटल शेयर का हाफ नहीं देना, सिर्फ सी के आधे शेयर का भी आधा देना है यानी 3/40 देना है। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस 3/20 और 3/40 दोनों है, और बी का सेक्रीफाइस केवल 3/40 है। गिफ्ट का या सेक्रीफाइस एक ही बात है, दोनों के इसे माइनस करेंगे नया शेयर निकालते समय। तो ए का नया शेयर क्या होगा बच्चों, उसका पुराना शेयर था 5/8, उसमें से उसका गिफ्ट और सेक्रीफाइस दोनों माइनस कर दीजिए, ये बचेगा बच्चों 16/40, देख लीजिएगा करके। बी का नया शेयर निकालते समय बच्चों 3/8 में से माइनस कर दीजिए जितना उसने सेक्रीफाइस किया 3/40, ये आ जाएगा 12/40। सी का नया शेयर हमें पता है, बस उसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 3/10 है जिसको हम ले सकते हैं 12/40, तो नया रेशियो आ जाएगा 16:12:12 या फिर 4:3:3, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब 11-18 रह गए हमारे, इसके 1-10 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, आने वाले वीडियोस में उनको भी खत्म कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।